धर्मांतरण कराए जाने के आरोप में विश्व हिंदू संगठन सहित सभी हिंदू धर्म प्रेमियों ने दुर्ग विश्वदीप स्कूल का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंच दुर्ग सीएसपी सहित पुलिस टीम ने भीड़ को काबू किया। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत प्रकाश में आने के साथ ही हिंदू संगठनों व हिंदू धर्म प्रेमियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के विश्वदीप स्कूल में एक मामला धर्मांतरण कराए जाने का सामने आया, जिसके बाद सारे हिंदू धर्म प्रेमी व संगठन इसके विरोध में स्कूल प्रशासन पर आक्रोश जताते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही स्कूल के गेट पर हनुमान चालीसा पढ़कर स्कूल के अंदर हो रहे कार्यक्रम का विरोध जताया। इसी कड़ी पर मौके पर पहुंचे दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर, कोतवाली थाना प्रभारी एसएन सिंह सहित पुलिस टीम ने हो रहे प्रदर्शन को शांत कराकर स्कूल प्रबंधन, वार्ड पार्षद व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं इस पूरे मामले में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी। नहीं किया, असली में ये कार्यक्रम हम लगभग 2015 से लेकर हर साल करते आ रहे हैं। पिछले दो साल कोविड के कारण ही ये कार्यक्रम हुआ नहीं है, तो इस बार कोविड के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये सीधा सीधा मैं खंडन करता हूँ, पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार मैं खंडन करता हूँ, ना कि सिर्फ मीडिया को देने के लिए नहीं, अपने अंतरात्मा से मैं पूरा पूरा खंडन करता हूँ। ये सब बच्चे उनके छोटे बचपन में ही उनका बपतिस्मा हुआ, यानी जब बच्चे दो सप्ताह या एक महीना का जन्म जो हुआ है उसके बाद बपतिस्मा हुआ है, तो सब क्रिश्चियन बच्चे हैं। नाम जरूर किसी किसी का सरनेम अलग अलग हो सकता है, अभी मेरा सरनेम पोनोर है और पोनोर हिंदू क्रिश्चियन नहीं बन सकता बोलने से वो नहीं है ना। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का जबरन धर्मांतरण की बात नहीं है। और एक बच्चे से हम 400 रुपया पंजीयन शुल्क के रूप में लिया है, जो कि यहाँ के व्यवस्था को बनाने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए, सब कुछ के लिए हम लोग उपयोग कर रहा है। यहाँ मेरा निवास है पद्मनाभपुर में, विश्व स्कूल के बगल में। अभी कुछ दिन कल से यहाँ पर से बच्चे लोगों को 100-200 बच्चों 300 बच्चों को ला के यहाँ पर मिशनरी द्वारा आयोजन किया जा रहा है, प्रार्थना के नाम से आयोजन किया जा रहा है, और इनसे ऐसे ऐसे अनलीगल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मेरे को शक हुआ कि मतलब क्या इसमें क्या कर रहे हैं लोग। सवाल का कोई मिसाल बता पाएंगे? जैसे कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लो किसी को दंपत्ति को एड्स हो जाए तो उनको क्या सेक्स करना चाहिए क्या? तो एक बच्चे ने उठ के जवाब दिया कि हाँ उसमें करना चाहिए, वो रेगुलर करना चाहिए। आठवीं के बच्चों से पूछा जा रहा है कि शारीरिक संबंध क्या है, प्रेम क्या चीज़ है। इस प्रकार के छोटे बच्चों से सब इशू के बारे में, हमारे भगवान इसमें हिंदू धर्म के बारे में अनरेगल बातें बताई जा रही है, अनरेगल बातें उसमें हो रही है, और अंदर सारे हिंदू बच्चों को बरगलाया जा रहा है। आसपास के गांवों से उनके माँ बाप को प्रलोभन में देखे कि हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे करके यहाँ पर बुलाया गया, और अनेक प्रकार की बातें उनको सिखाई जा रही, बताई जा रही है। विश्वदीप स्कूल एक शिक्षा का संस्थान है, दुर्ग शहर में काफी नाम है विश्वदीप स्कूल का, लेकिन बार बार ऐसी सूचना मिलती है कि विश्वदीप स्कूल के द्वारा ही धर्मांतरण कराया जाता है। अभी जानकारी हमें कल रात से मिली थी, आज सुबह आए तो हमने देखा, कुछ पूछताछ भी की तो पता चला बहुत सारे उसमें बच्चे हैं। वो फादर ने आगे बहुत सारा पेपर दिखाया, जिस पेपर में कई बच्चों का नाम सिन्हा है, कई का नाम देशमुख है, कई ठाकुर है, बहुत सारे भाई तिरके हैं, बहुत सारे ध्रुव हैं। ऐसे हिंदू बच्चों को यहाँ लाया गया है, बहला फुसला कर लाया गया है, या किस कारण लाया गया है? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे सब अंदर हैं, अभी तक हम नहीं देख पाए हैं कितने छोटे बच्चे हैं, क्या स्थिति है उनकी, और प्रलोभन देकर उनके माँ बाप को ऐसा धर्म परिवर्तन करवाना, फिर स्कूल के अंदर ऐसा धर्म परिवर्तन होना। दुर्ग शहर का सबसे बड़ा स्कूल विश्वदीप स्कूल, बिना परमिशन के, बिना किसी योग्य जानकारी के स्कूल के अंदर ऐसा धर्म परिवर्तन करवाना, या किसी कारण बस बड़ा पेयर करवाना, ये किस उद्देश्य को लेकर ले रहा है? ये थोड़ा विचित्र आडंबना है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कृत्य स्कूल के अंदर हो रहे हैं। हमारे द्वारा शिक्षा अधिकारी को भी बुलाया गया है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, अभी तक नहीं आए हैं कि उनके द्वारा भी परमिशन नहीं दिया गया है। बार बार ये स्कूल के ऊपर कुछ न कुछ आक्षेप उठता है, जैसे विश्वदीप स्कूल में देखो अल्पसंख्यक स्कूल है, कह के आरटीआई से अपने आप को खारिज कर दिया गया है, जबकि 99% बच्चे हिंदू समाज के पढ़ते हैं, आरटीआई का उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके तहत बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, लेकिन ये सारे मुद्दों पर यहाँ हाथ खाली कर दिया जाता है। नहीं, ऐसी प्रूफ जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो लिस्ट दिया गया है उस लिस्ट पर पूरा नाम लिखा है, हम उसकी कागज आपको अभी प्रति दे देंगे, जिसमें ठाकुर है, सिन्हा है, ध्रुव है, तिरके हैं, ये सारे भाई है सरनेम समेत। तो ये क्या है, इन बच्चों को क्यों लाया गया है? और छोटे छोटे बच्चों को ये जानकारी भी मिली है, एकदम छोटे छोटे बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपको सेक्स करना चाहिए, सेक्स में कैसे होना चाहिए, एड्स के प्रति जानकारी क्या है। 8 साल के बच्चों को अभी ऐसी जानकारी देना मेरे नजर में तो ऐसा है कि गलत है।
यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है और अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। हमने उनसे कहा है कि यदि इस तरह की कोई गतिविधियां चल रही है जो जिले के हमारे कार्यालय को कोई जानकारी में नहीं है तो तत्काल इस तरह की कार्रवाई को आप रोक दें। स्कूल प्रबंधन पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सूचित कर दूंगा। ये कल से मैं सुबह से ये हल्ला सुन रही थी तो क्या चीज है करके इसको देखने के लिए आई, क्योंकि मेरा घर लगा हुआ है यहाँ से तो देखने के लिए आई तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे तो उनसे हम आके पूछे कि मतलब आप यहाँ पे क्या करने आए हैं तो वो बोले कि हमको क्या बोलते हैं अपने धर्म के बारे में जानकारी हासिल करनी। तो जब धर्म के बारे में बच्चे हासिल करेंगे, माँ बाप जब इसमें है क्रिश्चियन है तो माँ बाप पहले वो सिखाए क्यों नहीं और यहाँ सीखने के लिए क्या चीज। ये पहले तो मैं अंदर जाना चाहती हूँ और बच्चों से संपर्क करना चाहती हूँ। जब तक मैं बच्चों के बारे में जानकारी अच्छे से हासिल नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ बता भी नहीं सकती। ये ईसाई समुदाय के अपने चर्च की जो प्रेयर होती है उससे संबंधित बच्चों को जो धर्म शिक्षा दी जाती है, जैसे मुसलमानों में मदरसा चलता है, मदरसे के ऊपर में कोई बैन नहीं है, है ना, तो इस तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। दुर्ग जिला जो है शांतिप्रिय जिला है और दुर्ग शहर उस पर भी इस तरीके से मैं इसको खारिज करता हूँ पूरी तरीके। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।